हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्ट गौड़ और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? इसके ऑप्शन है एन के सिंह, डिल्मा रूसेफ, मार्कोस त्रोहियो और अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर है डिल्मा रूसेफ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नए अध्यक्ष चुना गया है। रूसेफ एनडीबी के प्रमुख के रूप में मार्कोस की जगह लेंगी। एनडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रिक्स समूह में शामिल देशों में द्वारा की गई है। इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना साल 2015 में की गई। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? इसके ऑप्शन है सिटी ग्रुप, फर्स्ट सिटीजन बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो। इसका सही उत्तर है फर्स्ट सिटीजन बैंक। सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक के सभी जमा और ऋण को फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने खरीद लिया है। इस कदम से सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहकों और इन्वेस्टर्स को काफी राहत मिली है। अमेरिका के फेडरल इंस्टीट्यूट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसके संबंध में फर्स्ट सिटीजन बैंक के साथ सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक नेशनल एसोसिएशन के सभी जमा और ऋणों के लिए एक समझौता किया है। आपको बता दें कि 10 मार्च को स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे प्रमुख उधारदाताओं में से एक सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गई थी। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने साल 1971 से 35 से अधिक बैंकों का अधिग्रहण किया है। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? इसके ऑप्शंस है 5, 19, 31 और 36। इसका सही उत्तर है 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वन वेब इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके तहत 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत के सबसे बड़े लॉन्च वहीक Mach 3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया गया। ये सैटेलाइट यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के हैं। वन वेब ने इसरो के साथ 72 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। पिछले साल अक्टूबर 2022 में इसरो ने वन वेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? इसके ऑप्शन है निखत जरीन, मैरी कॉम, लवलीना और स्वीटी बुरा। इसका सही उत्तर है निखत जरीन। आईबीएम महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की महिला मुक्केबाजों ने 4 गोल्ड जीते। देश की शीर्ष मुक्केबाज निखत जरीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। नीतू ने 45 से 48 किलो वर्ग के फाइनल में मंगोलिया की लुत्सेह खान को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा भारत की स्वीटी और टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। निखत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले ये कारनामा भारत के दिग्गज मैरी कॉम ने कर दिखाया है। साल 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, अनुज मेहता, पीयूष गोयल और डॉक्टर तपन। इसका सही उत्तर है डॉक्टर तपन। साल 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रसिद्ध चिकित्सा व्यवसायी डॉक्टर तपन को प्रदान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। उन्हें यह सम्मान गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को असम सौरव अवार्ड से और 15 अन्य को असम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? इसके ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसका सही उत्तर है मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीत लिया है। मुंबई के ब्रेन बॉन्ड स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। इसके अतिरिक्त टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड हेले मैथ्यू को दिया गया। इसके अलावा ऑरेंज कैप मैग लेनिंग और पर्पल कैप का अवार्ड हेले ने जीता है। भारत की यस्तिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया।
अब इस वीडियो में हम आपको उस सवाल का सही उत्तर बताते हैं जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। वो सवाल था कि विश्व टीवी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च। इसका सही उत्तर है 24 मार्च। अब इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जिसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। वो सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके ऑप्शन है करूर वैश्य बैंक, यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।